बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट, अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। कुल्टी के विधायक डॉक्टर अजय पुद्दार ने आज कुल्टी रेल क्रॉसिंग का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों को बताया कि भारतीय रेलवे मंत्रालय द्वारा यहां पर फ्लाईओवर बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2022 से यहां पर फ्लाईओवर बनाने के लिए रेलवे मंत्रालय से गुजारिश की जा रही थी, आखिरकार रेलवे मंत्रालय द्वारा इसका DPR पास कर दिया गया। उन्होंने कहा कि DPR पास करने का मतलब है कि अब बहुत जल्द यहां पर फ्लाईओवर का काम शुरू हो जाएगा। उनका यह भी कहना है कि इसके बन जाने से कुल्टी रेलवे क्रॉसिंग पर जाम की स्थिति से लोगों को निजात मिलेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई 125 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और ये पूरी तरह से भारतीय रेलवे मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। स्टेशन निरीक्षण का कारण ये फ्लाईओवर जो कुल्टी की बरसों से मांग है कि लोग का आवागमन और मिनट मिनट में कोड लाइन बेस्ट लाइन है, सारा गुड्स ट्रेन से लेकर पैसेंजर ट्रेन यहीं से क्रॉस करती है, हर 5 मिनट में गेट बंद हो जाता है तो लोगों को विराट असुविधा का सामना करना पड़ता है। उन असुविधाओं को देखते हुए हम लोगों ने लगातार परस्यू किया रेल मिनिस्ट्री को, तो ये ऑर्डर हो गया, DPR लेवल पर है, ऑलरेडी सेंक्शनड है। DPR का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, नक्शा आप लोगों ने देखा है, तो ये काम शीघ्र शुरू होगा। ये कितने लागत से बन रही है? लागत मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है, इट विल रन क्रोस। और कब तक ये स्टार्ट होगी काम? इस ईयर एंड तक शुरू हो जाएगा। ओप्पो के मोबाइल ने युवा को बनाया लखपति। आसनसोल के अड्डा मार्केट स्थित कंप्यूटेक सेल्स दुकान से ओप्पो के मोबाइल खरीदने के बाद लकी ड्रॉ में आसनसोल के प्रीतम मुखर्जी को 10 लाख रुपए का पुरस्कार मिला। आज दुकान में कार्यक्रम का आयोजित कर इसकी घोषणा की गई। दुकान के मालिक अमित छाबड़ा और ग्राहक प्रीतम मुखर्जी की उपस्थिति में केक काटा गया और जश्न मनाया गया। তো পেলাম বলতে আমি তো এইখানে ফোন কিনতে এসেছিলাম, ঠিক আছে। তো ফোন কেনার পরে আমি বুঝতে পারিনি যে এইরকম কিছু প্রাইস আছে বা কিছু, ঠিক আছে। তো দাদারা আমাকে সাজেস্ট করে যে কিছু একটা প্রাইস আছে, তো একবার দেখে নিতে। তো ফোনটা অন করার পরে ওপো যে অ্যাপটা থাকে ওই অ্যাপটা যখন আমি অন অপন করলাম তখন দেখি 10 লাখ একটা প্রাইস এসছে। তো ফার্স্টে তো ভেবেছিলাম যে ওটো কয়েন আছে, তো তারপরে দেখানোর পরে বুঝতে পারি যে ওটা কয়েন নয়, ওইটা 10 লাখ ক্যাশ আছে। কত ক্যাশ আছে? 10 লাখ। 10 লাখ? হ্যাঁ। এই শোনার পর কেমন হলো? স্পিচলেস। শোনার পরে কি বলবেন? অমিতজি পাশে দাঁড়িয়ে আছে। এইটাই তো আমরা এইটাই বলতে চাইছি, আওয়ার লাকি কাস্টমার, যে আওয়ার লাকি কাস্টমার যে একটা মোবাইল কিনে ও ওটাতে এত লাকি আর বলা হবে শব্দ নেই, 10 লাখ টাকা পেয়ে গেছে। আর পুরো ওয়েস্ট বেঙ্গলে এই একটা প্রাইস পাওয়ার একটা লোক খুবই লাকি। এটা ওপো ফোন কেনার পরে 10 লাখ টাকার লটারি বেরিয়েছে, আর আমরাও খুব খুশি কি আমার আউটলেট থেকে এটা হয়েছে। আর ইনি যেরকম বলেন কি জানতেই না কি এটা এরকম হবে, তো আমরা প্রত্যেকটা কাস্টমারকে গাইড করি, বলি কি এটা নিচ্ছেন, এটা যা যা অফার থাকে আমরা প্রত্যেকটা জিনিস দিয়ে দিই, অফারগুলো বলে দিই, যেন কাস্টমার খুশি হয়ে যায়। আমাদের কাস্টমার খুশি হলে আমাদের খুশি, এইটাই আমাদের আসল মূল মন্ত্র। बाराबनी के विधायक विधान उपाध्याय ने आज जामग्राम ग्राम पंचायत के खोड़ा पड़मोड़ इलाके के निकट बावरीपाड़ा में रास्ते के कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने फीता काटकर नारियल फोड़कर कार्य का शिलान्यास किया। इस कार्य की लागत 9 लाख रुपए के आसपास आएगी। इस मौके पर यहां विधान उपाध्याय के अलावा बाराबनी पंचायत समिति अध्यक्ष असित सिंह, जामग्राम पंचायत प्रधान केशव राउत और पंचायत के अन्य सदस्यगण उपस्थित थे। विधान उपाध्याय ने कहा कि इस रास्ते के बन जाने से यहाँ के लोगों को काफी सुविधा होगी। नतून रास्ता अपनी पुजो आगे सत्य खूब भलो जिन की रकम আমাদের জামগ্রামের যে কোল মাইন্স হয়েছে সেই কোল মাইন্সে আমাদের জামগ্রাম পুরো গ্রামটাই অন্য জায়গায় বসতে হয়েছে। তো এখানে আমাদের আমরা যেটা রাস্তাটা উদ্বোধন করলাম এটা এই সামনেটাতে বাউরিপাড়াটা পুরোটা উঠে এসছে, কোনো রাস্তা নেই কিছু নেই, যেহেতু নতুন এসছে তাই ওদেরটা বারামানি পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে এই রাস্তাটাকে আজকে উদ্বোধন করা হলো প্রায় 9 লক্ষ টাকা ব্যয়ে। রাস্তাটা হয়ে গেলে আমাদের বাড়ি পাড়াতে যাতায়াতের সুবিধা হবে। এর সামনে আরেকটা পাড়া রয়েছে সেটাও স্যাংশন হয়ে গেছে,
সেটা হয়তো কালী পূজার পরে আমরা কাজটা চালু করব। এটা ঢালাই না পিচ হবে রাস্তা? ঢালাই রাস্তা। आसनसोल के प्रसिद्ध इंडिया इंटरनेशनल स्कूल में नवरात्रि के उपलक्ष्य में डांडिया एवं गरबा नाइट 2024 का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर स्कूल के निदेशक एके शर्मा, उपाध्यक्ष राधा शर्मा, प्राचार्य शमिष्ठा चंदा पाल समेत अन्य ने संयुक्त रूप से किया। यहां मां दुर्गा की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद डांडिया और गरबा में घंटू स्कूल के विद्यार्थी शिक्षक झूमे। इस दौरान ऐसा लग रहा था मानो स्कूल परिसर में गुजरात उतर आया है। एक तरफ जहां कोलकाता में आरजी करम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले को लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जा रहा है, ठीक उसी समय दक्षिण 24 परगना के जयनगर कुलटोली इलाके में एक 10 वर्षीय मासूम बच्चे के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या किए जाने की घटना सामने आते ही स्थानीय लोगों ने अपना आपा खो दिया और स्थानीय महेश बाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की। वहीं कुलटोली दुष्कर्म कांड के विरोध में शनिवार दोपहर भाजपा सड़क पर उतरी और आसनसोल के कोट चौराहे के पास स्थित भाजपा पार्टी कार्यालय से भगत सिंह चौराहे तक भाजपा प्रदेश कमेटी के सदस्य कृष्ण नंदू मुखर्जी के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया। आसनसोल जिलाध्यक्ष बप्पा चैटर्जी समेत भाजपा कार्यकर्ता व महिला बल मौजूद थे। रैली में शामिल होकर भाजपा नेता कृष्ण नंदू मुखर्जी ने राज्य की मुख्यमंत्री और पुलिस मंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। कल जो कुलतली में जो घटना हुआ, बच्ची का रेप और मर्डर, कल ट्यूशन पढ़ने गया बच्ची, उसको रात 10 बजे तक घर नहीं आया, उसका पिताजी गया खोजने, फिर नहीं मिला तो कंप्लेन करने गया थाना, थाना कंप्लेन लेना नहीं चाहा, आज सुबह उसका बॉडी मिला खेत का अंदर, रेप करके हत्या कर दिया गया उसको। तो ये जो पूजा चल रहा है अभी नवरात्रा का अभी समय है, आज माँ चंद्रघंटा का पूजा तीसरा दिन में हम लोग पूजा करके मातृशक्ति का आराधना करते हैं, ये कौन जगह में है? एक आराधना करेंगे ना, एक तरह हम लोग को बॉडी उठाना पड़ रहा। ये जो हत्या है, ये आरजी कर का घटना का बाद आज 2 महीना होने जा रहा, अभी तक 38 से 40 घटना हुआ है, ये एक के बाद एक हो रहा है। और ममता बनर्जी हम लोग का पश्चिम बंगाल का महिला मुख्यमंत्री फीता काट रहे हैं, हर मंडप में जाके फीता काट रहे हैं, तो उत्सव में आने के लिए बोल रहे हैं, ये कैसा उत्सव है जहाँ मातृशक्ति को रेप करके धर्षण करके बलात्कार करके हत्या कर दिया जा रहा है, वहाँ उत्सव कैसे होगा? ये ममता बनर्जी को इमीडिएट इस्तीफा देना चाहिए, ये अभी इमीडिएट रिजाइन हम लोग मांगते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है, वेस्ट बंगाल का प्रशासन खत्म हो चुका है, यार मातृशक्ति को कोई प्रोटेक्शन नहीं है। आज रास्ते में भारतीय जनता पार्टी रास्ते में उतरा है और ये चीज का खिलाफ में आज हम लोग का प्रतिवाद चल रहा है और पश्चिम बंगाल का हर कोना में ये प्रतिवाद चल रहा है। वो टीएमसी का 2021 का एक स्लोगन था कि बांग्ला निजर में के चाय, हम लोग वही स्लोगन रखा, हाँ बांग्ला में के चाय, बांग्ला निजर मेर विचार चाय, अपना लड़की का विचार चाहता है, जो अन्याय हो रहा है जो गलत हो रहा है इसका विचार चाहते हैं बांग्ला का लड़की, यही का इसी का सिंबलिक हम लोग हर गंजी यही गंजी हम लोग पहन के आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और रास्ते में पूजा में हम लोग रहेंगे लेकिन उत्सव में नहीं रहेंगे, कोई फेस्टिवल नहीं होगा, हम लोग रास्ते में प्रतिबद्ध करेंगे इसका। सेल कर्मियों के बोनस को लेकर बैठक में सहमति ना बनने के बावजूद प्रबंधन ने 26,500 रुपये बोनस भुगतान का निर्देश जारी किए जाने के विरोध में 5 यूनियनों ने विरोध प्रदर्शन किया। 5 यूनियनों ने कड़े शब्दों में विरोध जताया तथा चेतावनी दी है कि किसी तरह की स्थिति के लिए प्रबंधन जिम्मेदार होगा। यूनियन के बिना हस्ताक्षर के बोनस का फैसला प्रबंधन ने लिया है। पिछले 2022 में सेल कर्मियों को 28,000 रुपए बोनस तथा 12,500 रुपए प्रोत्साहन राशि के
तौर पर यानी के कुल 40,500 रुपए का भुगतान किया गया था, लेकिन 2023 में प्रबंधन ने कर्मियों के लिए 23,000 और प्रशिक्षुओं के लिए 18,500 का निर्देश जारी किया था। इस वर्ष कर्मियों के लिए 26,500 और प्रशिक्षुओं के लिए 21,200 रुपए बोनस का निर्देश जारी किया। ये एक तरफा फैसला है। एक चलती मोटरसाइकिल में आग लगने की घटना से चितरंजन शहर में अफरा तफरी मच गई। घटनास्थल पर आरपीएफ और दमकल की टीम पहुंच गई। बताया जा रहा है कि बाइक सवार को एहसास हुआ कि मोटरसाइकिल में आग लग गई है और वो मोटरसाइकिल से उतर गया। हालांकि इस अग्निकांड में मोटरसाइकिल पूरी तरह से जलकर राख हो गई। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।